इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 5 जनवरी को खेला जाएगा। और दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी में, जो कि शुरू होगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबले काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका की एक शानदार टीम इस समय टीम इंडिया से भिड़ने के लिए आ रही है भारत में। तो दोस्तों इस मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है भारतीय टीम की, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया की जीत तय करने मैदान में उतरेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं, सबसे पहले ओपनर रहने वाले हैं शिखर धवन। दोस्तों रोहित शर्मा को आराम दिया गया तो इनकी जगह पर शिखर धवन को टीम में शामिल किया गया, और शिखर धवन एक बेहतरीन खिलाड़ी है जी। फिलहाल इनके पास फॉर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसी सीरीज में ये अपनी फॉर्म फिर से हासिल कर लेंगे। इसके बाद इनके साथ ही ओपनर रहने वाले हैं KL राहुल, जो कि इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं, और वो इस समय शिखर धवन को ही टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की जगह इन्हें टीम में शामिल किया गया था और ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर नंबर 3 की बात करें तो यहां पर उतरेंगे कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली भी बेहतरीन फॉर्म में है और 2020 के शानदार आगाज करना चाहेंगे अपनी बेहतरीन फॉर्म के साथ, और साथ ही दोस्तों ये T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी बनना चाहेंगे इसी सीरीज से। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो यहां पर उतरेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा और इनकी शानदार फॉर्म इस समय मौजूद है, और यहाँ पर भी ये बल्ले से कमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर उतरेंगे विकेट कीपर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का बल्ला भी अब धीरे धीरे चलने लगा दोस्तों, हालांकि उतना विश्वास नहीं किया जा सकता इनकी बैटिंग पर, लेकिन फिर भी अच्छी खासी फॉर्म दिखाई है इन्होंने। इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे उतरने वाले हैं। शिवम दुबे ने भी T20 में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, और उम्मीद करते हैं कि बल्ले के साथ साथ ये गेंद से भी बेहतरीन प्रदर्शन के दिखाएंगे। वहीं पर नंबर 7 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा। जडेजा का फॉर्म भी बेहतरीन है दोस्तों, खासकर कि बल्ले के साथ इनका प्रदर्शन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, और गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहां पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया में, और इस T20 सीरीज में कमाल करते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर गेंदों से। इसके बाद नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर उतरने वाले हैं सरदौल ठाकुर। ठाकुर बल्ले से भी कमाल किया था दोस्तों, और अब गेंद से भी ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि भारतीय टीम को शानदार सफलताएं दिलाएंगे। इसके बाद आगे की बात करें दोस्तों नंबर 10 की, तो यहाँ पर उतरने वाले हैं युजवेंद्र चहल, और नंबर 11 पर उतरेंगे दोस्तों कुलदीप यादव। यानी कि दोनों खिलाड़ियों का यहाँ पर कुलचा की जोड़ी एक बार फिर मैदान में हमें दिखने वाली है। कुलदीप यादव की बात करें दोस्तों तो बेहतरीन गेंदबाजी की, इन्होंने हैट्रिक भी ली थी, वहीं पर यूजी को ज़्यादा मौके मिले नहीं थे, लेकिन दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर बेहतरीन मौका मिलेगा इन दोनों को, मिल सकता है इस सीरीज में, और ये दोनों कमाल कर सकते हैं एक जोड़ी के रूप में। वहीं पर दोस्तों आपको कैसी लगी ये टीम, क्या रोहित शर्मा के बिना भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है भारतीय टीम में इस समय इन खिलाड़ियों में से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप सभी का।